आप गूगल में डेज एपल का 6 मंथ का चार्ट को देख सकते हैं। इसमें किस तरह से एक कंसोलिडेट किया था और काफ़ी दिन तक किया था, करीब 17 रुपीज़ के आसपास में, और अचानक से एक अप मोमेंट लिया था वो भी 45 रुपीज़ के आसपास, जिस टाइम परिमल इंटरप्राइज, अडानी और ओएक्ट्री ने मिल के इसमें खरीदने का बात कर रहा था। तो फाइनली इसको परिमल इंटरप्राइज ने खरीद चुका है इस डी एच एफ एल का कंपनी को। तो गाइज इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, पूरा देखिए, आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, और इस वीडियो के 2 आर्टिकल को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि डी एच एफ एल को खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कहीं फ्यूचर ग्रुप के तरह इसका हालत तो नहीं हो जाएगी। तो गाइज वीडियो को आप एंड तक देखिए और पूरा देखिए। गाइज लोन में डूबा यह बैंकक्रप्ट कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना जरूरी है, जैसे कि इसका बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा वीक है और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब है इस कंपनी का। ये कंपनी जब 600 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा था उस समय इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक का लोन हुआ था, जिसके कारण ये कंपनी दिवालिया हो चुका है, मतलब बैंकक्रप्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पर जो है ये ट्रेडिंग चल रहा है। तो गाइज इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप 2 आर्टिकल को देख लें, उसमें डिपॉजिटर के बारे में दिया हुआ है और दूसरा में कि बैंक ने सपोर्ट किया था परिमल इंटरप्राइज को ही, उसी की तरफ सपोर्ट किया है तभी इसको परिमल इंटरप्राइज बाय किया है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आपको कुछ दिन वेट करके देखना चाहिए, इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर रिटेल जिस तरह हुआ 160 से अचानक से 80 रुपीज़ के आसपास, 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ के आसपास में ट्रेडिंग चलने लगा, जो कि एक काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ। गाइज ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में डिपॉजिटर के बारे में कुछ दिया हुआ डी चप्पल का, जो कि आपको ध्यान से जानना चाहिए और देखना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें यह है कि यह आर्टिकल आज ही पब्लिश हुआ है और आज का ही डेट आप देख सकते हैं इसमें, और जैसे कि यहाँ पर यह बता रहा है कि परिमल इंटरप्राइज करीब 33,000 करोड़ के आसपास में इसको खरीद लिया है डी एच एफ एल को, और इसका जो डिपॉजिटर है उसके बारे में ये बता रहा है कि जैसे कि आगे में जो बैंकक्रप्ट नहीं हुई थी कंपनी उस समय काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिटर जो है फंड इसमें जमा किए थे, तो उसको वो तो फंड उसको लौटाना ही पड़ेगा, चाहे आज हो या कल हो। तो अगर वो लौटाएंगे तो अभी ये कंपनी का परफॉर्मेंस अगर कितना भी अच्छा हो, पर उसको सबसे पहले लोन को लौटाना जरूरी है, जो वो लोन लिए हैं या फिर कंपनी में जो भी पैसा मतलब डिपॉजिट किए हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी होल्डिंग है, वो सारी चीज़ इसमें अभी जमा करना पड़ेगा सबसे पहले। और ये जो डी एच एफ एल का कंपनी है, मतलब अब तो परिमल ग्रुप इसको खरीद चुका है, तो ये परिमल ग्रुप जो है अभी वो डिपॉजिटर जितना भी है सारे डिपॉजिटर को वो सब पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कंपनी आगे अगर चला तो चलेगा, उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट होगा उसके बाद से इसका शेयर वैल्यू हो सकता है कि आगे की ओर बढ़े। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 17 से ये गया था 45 के आसपास और अभी करीब 25 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो गाइस हो सकता है कल मार्केट खुलते ही अपर सर्किट लगे, तो अपर सर्किट अगर भी लगा तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं चलेगा, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा भी बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको नहीं पता ना तो हमको भी पता है। गाइस डी एच एफ एल को बाय करने से पहले परिमल और ओएक्ट्री दोनों के बीच में वोट हुआ, जिसमें बैंक ने परिमल के फेवर में वोट दे दिया, और अगर आप यहाँ पर देखें तो करीब 94% वोट परिमल को तरफ मिला और 45% वोट ओएक्ट्री को ही मिला, जिसमें कि डी एच एफ एल परिमल में पूरी तरह से मर्ज हो चुका है। और गाइज जैसे कि आप हमको कमेंट करके पूछे थे कि इसका शेयर होल्डर के बारे में क्या होगा, तो जैसे कि इस आर्टिकल में बताया है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है डी एच एफ एल का, उनका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पर यह बताया उसका वैल्यू 0 बताया जा रहा है। और इसमें करीब लोन जो है जो डिपॉजिटर था पहले उनका करीब लोन है, लोन वर्थ है आप देख सकते हैं करीब 90,000 करोड़ रुपीज़ इसमें लोन है अभी तक, तो वो लोन अब धीरे धीरे रिकवर होगा जो भी लोन है, उसके बाद ही कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस है। तो गाइस आप अगर जल्दीबाजी कर रहे हैं कंपनी को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए डी एच एफ एल में, तो आपको सबसे पहले वेट करना चाहिए, यह तो स्वाभाविक है, कल थोड़ा अगर हो सकता है कि मूवमेंट बने तो उसे 3 दिन तक अपर सर्किट में रहे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको आप भी गूगल में 1 से 2 बार सर्च जरूर कर लें। और गाइस जैसे कि हम आपसे बोले थे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास अभी कितना डी एच एफ एल का शेयर है, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी है उसका वो 0 हो जाएगा जितना भी शेयर उसके पास है, तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपके पास कितना ज़्यादा शेयर है डी एच एफ एल का और कितना में एवरेज किया हुआ है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।